तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आजकल त्योहारों का समय चल रहा है और हमारे बिहार में बहुत धूमधाम से छठ पूजा मनाया जाता है, तो इसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए और छठ पूजा मनाते रहिए, और मैं बीच बीच में छठ पूजा का महत्व तो बताता रहूँगा आपको। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो गाइस, देखो काम कर रहे हैं हम लोग, छठ पूजा मना रहे हैं। कैसा लग रहा है लाइक करे, कमेंट करे जल्दी से जल्दी। छठ हमारे बिहार में सबसे बड़ा पर्व छठ ही होता है, छठ पूजा ही होता है, तो उसको हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और कहा जाता है जो सनातन है, जो हिंदू धर्म है, उसमें सबसे हार्ड फास्ट व्रत जो भी पूजा होता है ये छठ पूजा ही होता है। और हमने अभी छठी मैया भी बनाया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो वो देखेंगे। तो गाइस ये देख सकते हैं, हम इसको अभी यहाँ बना रहे रिबन, अभी पूरा डेकोरेट करेंगे। अभी तो अभी ज़्यादा टाइम हो गया, तो अभी अब मॉर्निंग में करेंगे। और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखो गाइस, ये हम लोगों ने मिल के, अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी इसको बहुत चीज़ करना बाकी है, अभी बहुत इसको फिनिशिंग देना बाकी है। अभी ये सूखने के लिए छोड़ रखा है। और यहाँ पे देखो, ये हम लोगों ने सुबह से ही कर रहे हैं, अभी इतना ही हुआ है। और जो घाट का प्रयोग करेंगे हम, इसका करेंगे, ये एक नॉर्मल सा स्विमिंग पूल है, इसमें हम पानी भरेंगे और इसमें अर्घ देंगे। और ये देखिए, ये है फार्म हाउस, ये पूरा कल डेकोरेट होगा। और इधर ही सूरज देव निकलेंगे, और यहाँ पे डीजे रखा जाएगा, और यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग होगी। तो आप कल देखेंगे कितना अच्छा फार्म हाउस देख सकते हैं। देख सकते हो हमने कितना कर दिया। अब हम सुबह करेंगे और इसकी भी फिनिशिंग करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे आके इसकी भी फिनिशिंग करेंगे। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो घर चलते हैं और सुबह मिलते हैं। ओके, नहीं अभी सुबह नहीं हुआ है, देख सकते हैं अभी मैं ही है। तो गाइस, कहा जाता है इस पर्व में कि हमारे जो ये पूजा होता है उसमें वेजिटेबल्स की भी पूजा होती है, फ्रूट्स की तो होती ही होती है, और पकवान भी बनती है। और जो ये देख रहे हैं छठी मैया जो बना रखे हैं, अभी इनकम्प्लीट है, तो ये हमने अपने हाथों से बनाया है। जितने भी लोग छठ करते हैं वो अपने हाथों से बनाते हैं, और वो माना जाता है कि अपने हाथों से अपने छठी मैया बनाएंगे तो उनका मनोकामना पूरा होगा। और सभी चीज़ें शुद्ध चीज़ों से होती है, चूल्हा भी नया बनता है, मिट्टी से बनता है चूल्हा, और पकवान भी बनता है, बहुत ही अच्छी अच्छी पकवान बनते हैं जो आप जानती हो, आपने देख ही रखा होगा। अभी घर चलते हैं, आप सुबह आते हैं और सुबह दिखाते हैं इस। तो गाइस यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे केला भी लगा हुआ है, मगर अभी कच्चा है, पका नहीं है। आप दो चाहिए था हमको, और इसमें भी केले का है, देख सकते हैं ऐसा होता है केले का पेड़, देखिए। और ये हम ले जा रहे हैं इस पर, आज छठ मैया का व्रत है ना, तो उस पर खाना बनेगा, मतलब खाना खाएंगे इसको। तो गाइस ये है बनाना, जिसे देख सकते हैं एक पत्ता कितना बड़ा होता है। और इसको हम धो रहे हैं, आज छठ का मम्मी ने वर्क कर रखा है ना, तो इसी पे प्लेट का यूज़ करेंगे इस पत्ते को। ये शुद्ध होता है, तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ। और कहते हैं जो जितना फल वर्क करने से नहीं मिलता, उतना फल उससे मिलता है जिससे हम ये डेकोरेशन कर रहे हैं, छठी मैया बना रहे हैं, और सारे हेल्प कर रहे हैं दिल साफ होने से। इसको लाइक कर दे गाइस, फिर आगे अच्छे से नहीं हुआ कर रहा भाई, सब लोग लाइक करें, सब लोग लाइक एंड सरप्राइज करें, सरप्राइज सरप्राइज। अरे मैं वीडियो बना रहा हूं, जब सारे सरप्राइज हो रहे हैं ना, तो तुम मुझे सरप्राइज ही बोल रहे हो। सरप्राइज करें गाइस, सरप्राइज करें, सरप्राइज सरप्राइज।
आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, हम बोलना चाहते हैं लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब